चैप्टर 8 ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देर इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राज़ील और इंडिया में इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखो, पहले एक बात समझ लो कि जो इकोनॉमी होती है वो तीन टाइप की हो सकती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट और एक होती है मिक्स्ड। तो इकोनॉमी कितने टाइप की हो सकती है, तीन। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट और एक होती है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी जहाँ मोस्टली हर एक चीज़ कौन ओन कर रहा है, तो प्राइवेट लोग ओन कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट पीपल, हमारे जैसे लोग ओन कर रहे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है, जहाँ पे मोस्टली सब कुछ गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कहाँ पे हो गए, जहाँ पे मोस्टली जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए या कोई भी चीज़ हो गया, है ना, वो मोस्टली कौन ओन कर रहा है, प्राइवेट पीपल। तो वो कौन सी कंट्री हो गई, कैपिटलिस्ट कंपनी हो गए, कौन ओन कर रहा है, प्राइवेट पीपल। पर अगर ऐसा देश जहाँ पे मोस्टली सब कुछ सरकार ओन कर रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट। और ऐसी कंट्री जहाँ पे कुछ कंपनियाँ गवर्नमेंट ओन कर रही है और कुछ कंपनी प्राइवेट पीपल ओन कर रहे हैं, प्राइवेट पीपल मतलब हमारे जैसे लोग ओन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी तीन टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में कौन ओन करता है, प्राइवेट। सोशलिस्ट में कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। और मिक्स में कौन करता है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। तो इंडिया और ब्राज़ील कैसी इकोनॉमी है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि अगर तुम इंडिया में हॉस्पिटल देखो, तो जो हॉस्पिटल है इंडिया में वो सरकारी भी है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। अगर इंडिया में स्कूल देखो, तो वो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, तो कौन सी इकोनॉमी हो गई है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर रेलवे देखो, तो रेलवे अभी पूरी पूरी मतलब लगभग कह सकते हो ऑलमोस्ट कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट ओन कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ प्राइवेट है और कुछ कुछ चीज़ सरकारी है देश में। तो ऐसी इकोनॉमी का हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब आंसर देखते हैं, देखो, इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। तो इन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर मतलब हमारे जैसे लोग और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट, मतलब साथ में रहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कैसे रहते हैं, को एग्जिस्ट मतलब साथ में रहते हैं। इन ब्राज़ील एज वेल एज इन इंडिया, द सेक्टर्स लाइक रेलवे, तो ब्राज़ील हो या इंडिया हो, यहाँ पर रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, ये सब मोस्टली कौन ओन कर रहा है, ये सब मोस्टली ओन करते हैं पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, तो ये ज़्यादा करके कौन ओन करता है, ओन और कौन मैनेज कर रहा है, मतलब कौन चला रहा है, तो वो हो गया सरकार, ठीक है। पहला पॉइंट, इन ब्राज़ील एज वेल एज इन इंडिया द सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, एयरवे, हेल्थ, एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फिर एयरवे मतलब एविएशन, हेल्थ, एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन मतलब सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन, सारा कम्युनिकेट करने की चीज़ें एक्सेट्रा, आर ओन्ड एंड मैनेज बाई प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो बैंकिंग देखो, बैंक प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है, फिर एयरवेज प्राइवेट भी और सरकारी भी है, फिर हेल्थ मतलब जो हॉस्पिटल्स हो प्राइवेट भी है सरकारी भी है, एजुकेशन भी देखो प्राइवेट भी है सरकारी भी है, तो टेली कम्युनिकेशन है मान सकते हो, जैसे कम्युनिकेट कर, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, या फिर तुम मान लो कि एक और कोई एग्जांपल लो, सिम कार्ड्स भी देखो, तो एक BSNL जो सरकारी चलती थी और एक एयरटेल और जियो, ये सब कौन से प्राइवेट है, ये ओन करता है प्राइवेट भी और पब्लिक भी। इसीलिए इंडिया और ब्राज़ील कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे दोनों लोग ओनर रहे, सरकार भी और प्राइवेट लोगों भी। तो बड़ा इजी सा आंसर, एक बार इसको रीड कर लेना खाली, कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का साथ में काम करती है। कुछ एग्जांपल्स दे देना, बैंकिंग, एयरवे, हेल्थ, एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन, यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर काम करते हैं, बस एक बार इसको रीड कर लेना।